पत्रकार जेल में जाते हुए आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आखिरकार जेल में किस तरीके का बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, जेल के अंदर का खौफ यदि किसी आम व्यक्ति को ये बता दे कि वो जेल में गया है या जेल में तुम जा सकते हो, तो उसकी रूह कांप जाती है। और इसको लेकर कि अंदर आखिरकार जेल में होता क्या है, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रवि नागर पत्रकार साथी हैं, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि भाई। और जेल का अनुभव, सीधी सी मैं मुद्दे पे बात करूँगा, जेल का अनुभव कैसा रहा भाई? सबसे पहले तो मनीष भाई राम राम, और जितने भी भाई देख लग रहे हैं सारे ना भाई रवि नागर की तरफ से प्यार भरी राम राम। भाई आपने कहा जेल के अंदर का अनुभव मतलब कैसा रहा, जेल एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ई पिछले 6 महीने बेरा लग गया है जेल के सौदा है। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में सोची नहीं थी कि जेल की एक सबसे मतलब अलग ज़िंदगी है। मैं 26 साल का हो गया तो मैंने 6 महीने पहले पता लगा एक जेल की एक अलग ज़िंदगी है, एक अलग ही दुनिया है। किसी कारणवश मैं चला गया था जेल में, 10 दिन में रह के आया, मन ये बेरा है मैं उड़ा कुक कर रहा है, तो वो चीज़ मैंने जेल के अंदर सीखने मिली है। क्या कुछ सीखने को मिला ऐसा जो आप बोल रहे हो कि कभी ज़िंदगी में नहीं सीखने को मिली और वो 10 दिन में आप सीख के आएंगे? भाई एक तो जेल के अंदर हर प्रकार का कैदी हुआ, जैसे हर प्रकार का मुजरिम हुआ है, वो हर तरह की समस्या था जूझ के जेल के अंदर पहुँच जाए, उन सारा बेरा हुआ। कुछ बहुत सारे कैदी तो ऐसे हैं जो गलत फंसाए गए हैं, जो नाजायज़ फंसाए गए हैं और वो जेल की सज़ा काट लग रहे हैं बिना बात। फिर एक न्यू क्या करो भाई, आदमी जो कन्यू कहता भाई जेल में गया यू या तू जेल में जायज का है, आदमी में इतना डर बैठ जाए कोई हद नहीं, आखिरकार क्या हुआ है जेल में? उनको मार पिटाई भी हुआ है, पुलिस वाले भी पीटता है, कैदी आपस में भी मार पिटाई कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? देखो जेल के अंदर है ना एक कैदियों की गैंग भी हुआ है। अच्छा, कुछ बड़े जो बड़े गुंडे हुए हैं उनकी गैंगस्टर भी कैश का है, लेकिन जैसे अपने वर्ग के नॉर्मल इंसान जब जावे हैं उन्हें एक सेफ जेल में रखे जावे हैं, वो जो खतरनाक कैदी हुए थोड़े अलग हुए हैं। एक मतलब उरो जोकर शरीफ और ऊत आदमी हुए हैं, न्यू है जेल में भी हुए हैं, शरीफ भी हुए हैं, ऊत भी हुए हैं। बिल्कुल भाई जेल के अंदर सबसे ज़्यादा इतना पुलिस का खौफ नहीं होता जितना कैदिया का हुआ, जो गैंगस्टर हुए हैं उन तक बहुत बच कर रहना पड़ा है। अच्छा, अगर आप उनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो भी मार खाओगे, अगर उनके खिलाफ चल लोगे किसी चीज़ में तो भी आप मार खाओगे, तो जेल के अंदर भी नुकाकरा पिटाई हुआ है। अच्छा, न्यू कौन जेल में राजनीति भी हो है या हुआ है नहीं हुआ है? ना राजनीति तो मैंने नहीं सुनी जेल के अंदर। जैसे आपने बताया भाई उनके गैंगस्टर के कई तो चल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं चल लेंगे। छोटी छोटी ना अपनी गैंग हो है, जैसे एक का दिन उड़े 6 महीने हो गए रन देना, तो 6 महीने में उसने घना हिसाब आ जाएगा जेल का, तकरीबन हिसाब आ जाए एक का दिन 6 महीने के अंदर, और जुकर जुकर टाइम बीता रहेगा कि उसके दौर है कोई 4 दिन खतरा होगा, कोई 5 दिन खतरा होगा, कैदी जो नए नए हैं वो आंदे रहो जानते रहो तो उन्हें सारा हिसाब हो जहर। अंदर अखबार या टीवी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हम बाहर, हमें टीवी भी मिलता है, अखबार भी मिलता है, और काफ़ी भौतिक सुविधाएं हैं जो हम बाहर मिलती हैं हमें बहुत चीज़ें, अंदर क्या कुछ है? अंदर LED लगी हुई है कैदियों के लिए है। हाँ कैदियों के लिए है, लेकिन वो जो लेटेस्ट खबर है मान ले कुछ भी लाइव सिस्टम नहीं चलता उनमें, शायद पेन ड्राइव चल रहा है, गाने गुने सुन रहे हैं। अच्छा। फिल्म पुरानी फिल्म में वो देख रहे हैं और अखबार आवे है। अखबार आता है? हाँ अखबार आवे है। और जैसे मैं जेल में गया ना, वहाँ कैदी बट देख लग रहे थे मेरी, पहले पता था कि भाई एक आदमी और आना उन्हें पता लग जाए है। अच्छा। हाँ जो कर कहीं था मतलब आज पुलिस ने मैं अरेस्ट कर लिया तो वो अखबार में निकला है। हाँ। तो वो अखबार जेल में जावा, जेल में जब जावा तो कैदी पढ़े है भाई आज फलानी जगह किसने मर्डर करा, कड़े की हो गया, तो सारी खबर उन द्वारा पहुँच जाए है, वो फिर उसका स्वागत करे जिस टाइप का उनका बंदा हो। मतलब एक तरीके से भाई वो बायोडाटा उनके पास पहुँच जाए, मैं तैयार देख रहे हो भाई इंटरव्यू देना होगा कोई आदमी और उसने उरिये रख लेंगे। हाँ तो उड़ा जिस प्रकार के मतलब केस करके जाओ ना, जो कर कई भाई रेप राप करके चले जाओ महिला के, तो उड़ा उस रेप वाले ने ज़्यादा पिटे कैदी, मैंने यह चीज़ देखी है। अच्छा। हाँ और जो मर्डर मुर्डर करके जाओ हूँ ना इतना कोने पिट दे, लेकिन जो घने गलत काम करके जाओ हूँ ना पिटे भी हैं।
मेरे सहमी भी हुई ये चीज़। आप ने एक बात कही कि घने आदमी बिन बात फंसाए गए हैं, वह बिन बात जड़ कट रहे हैं, किसी तो बात भी हुई है भाई कुकर के मामले में पहुंचा कुकर। देखो इस चीज़ की मैं पुष्टि तो नहीं करता नू भाई खुल के भाई बिना बात जड़ कट रहे, कोई ना कोई तो कारण हुआ है, लेकिन आदमी बता मुड़ा कह दिया था जब बात करे ना तो उनकी बात सुने तो ऐसा लगा भाई शायद नाजायज फंसा दिया, गलत फंसाया जा रहा है, यू के लिए गलत हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कह दिया आपने अगर जेल में कदे जाना होया तो तो जेल काट का रहे हैं जी नाम देख देख कर सिक्का लग रहे भगत सिंह हरबर के उनने भी जेल काटी है, जो महान आदमी है ना बड़े पत्रकार भी जेल में गए हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी जेल में गए यार, जो महान आदमी है ना वही जेल में जावे। अच्छा हाँ अच्छा मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, जो एक सेल होता है जिसमें कैदी रहता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पंखा लगा हुआ होता है नहीं लगा हुआ होता है, उसको चारपाई मिलती है या वो नीचे सोता है, क्या कुछ होता है? देखो वहाँ पे ना एक खड्डी ही टाइप बनी हुआ है। अच्छा पक्की हो मैम वहाँ कोई चारपाई नहीं होती कोई ताकत नहीं होती, देसी भाषा में चौतरा टाइप सा है, चौतरा टाइप सा है, कंबल कुंबल मिला है, पंखा चला, खाने पीने की सारी सुविधा मिला है, नाने की मिला है, सारा काम ओके है, लेकिन बस दिक्कत एक के है जेल के अंदर, जो जेल की चार दीवारी हो ना उस तो आदमी बाहर नहीं आ सकता जेल के अंदर तो ठीक है वो, लेकिन जो कर मैं चला जाऊं भाई मन परिवार की याद आवा, अपने घरवाले की याद आवे, बड़का की याद आवे, तो वह समस्या बाहर आने की कोने बनती, अपने हिसाब से बाहर नहीं आ सकते, घर के जैसक है, घर के जैसक है वो, तो 10 मिनट फोन पर बात हो हमने सब मिसी साल लगा हुआ है वह मिला दिन में बात कराऊंगा घर क्या कहला ऐसा भी हो जाए कि भाई घर के घर आऊँ और फोन करने का आपका जी कर गया। देखो मैं फोन की थोड़ी ही आपने डिटेल बताऊँ, कुकर फोन के जरिए बात हुआ है, जैसे हम आज जेल में गए 3 दिन के बाद हमारा नंबर शुरू हो जाएगा वहाँ पे, एक जो हमारे घर का सदस्य है उसका नंबर शुरू होगा, जैसे मेरे पिताजी का नंबर शुरू हुआ था 3 दिन के बाद, एक लाइन लगती है जिसमें बहुत सारे कैदी हुए हैं जैसे फिल्मों में फोन है टेलीफोन वैसा फोन हुआ है, एक फोन पर हमें 10 मिनट बात कर सके हैं और 2 बार मिला सके हैं, अगर 2 बार फोन नहीं उठाया तो वो अगले 24 घंटे के बाद ही फोन लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा, ठीक है, और ना कोई दोबारा मतलब आपा ने काट दिया या आवाज नहीं आई उस साइड तक घर वाले फोन नहीं मिला सकते हमारे पास, हमें मिला सके वो भी 2 बार, एक दिन के अंदर 2 बार चांस होते हैं और उसके पैसे भी कटे हैं, पैसे आपने देने मतलब कोई भी कैदी है उसने देने पड़ेंगे, हाँ उनके कहाँ से पैसे देगा, वो तो कैदी है खुद, तो घर वाले डलवा लेना एक नंबर डिजिटल नंबर मिलता है। अच्छा। उसमें रिचार्ज करवाना पता जैसे आप फोन में रिचार्ज करवाऊँ रिचार्ज करवाना पड़े है, जैसे फिर जैसे मैंने बात करी कि भाई घर के घर हैं और आपका जी करके बात करेंगे तो बात हो जाए, हाँ बात हो जाए, टाइम होगा है जिस कर एक जेल के अंदर कई सेल हुए हैं ब्लॉक भी कायदे हैं अलग अलग कमरे भी हुए हैं उनकी टाइमिंग हो भाई एक तक चार तक इस 5 नंबर जो जेल है ये कैदी हैं इतने 30-20 जितने भी हैं इनका नंबर आएगा उस टाइम एसटीडी पर वो जाओगे उस टाइम में उस टाइम वो जाओगे तो समय हुआ है समय के अनुसार ही सब कुछ हुआ है। अच्छा एक अभी आपने बताया कि भाई वहाँ LED लगी होती है वहाँ पेन ड्राइव होती है या कुछ भी जो पुरानी फिल्में या पुरानी खबरें जो दिखाते हैं तो ये हर कैदी के लिए होता है या कुछ भाई ये है कि भाई हर कैदी के लिए नहीं है कुछ खास लोगों के लिए है? ना ये हर कैदी के लिए है लेकिन जो उनमें चला है ना वो थोड़े है, जो दाऊद किस्म के कैदी हुए हैं वो अपनी मनमर्जी की चीज़ चलावे हैं अपने जो घाटे जो कर बहुत कम क्राइम करके छोटा मोटा क्राइम रोला झगड़ा करके गए उन्हें तो बस नू बैठे बैठे नू देखना उन्हें देखना हो तो देख लो और ना देखना हो तो ना देखो, हाँ, जो चल रहा मतलब उन्हें चुपचाप देख लो ना देखना था अपने सोचो बस जा उड़े इच्छा अनुसार कुछ नहीं चलता वो उन्हें की चल जो उड़े पुराने हो लिए काम कोम भी करवाऊँ मैं कुछ या आराम से लौट मारा है ना। देखो जैसे हम स्टार्टिंग में गए जब लग हम कैदी नहीं होंगे जब लग हम कोई काम नहीं करते सजा मतलब आरोपी है जब तक उस पर कोई काम नहीं करवा, हाँ, जब लग कोई काम नहीं करवा जाता हल्का फुल्का करवाना है वो अलाउड भी नहीं है और जो कैदी हो जाए हैं उन तक काम दिया जावे जिनको सजा बोलते हैं उन पर काम करवा, हाँ उनकी तो हर रोज ड्यूटी लग जाए कहीं पौधे नाड़ में कहीं सब्जी तोड़ने में कहीं कुछ पैसे भी मिले, हाँ पैसे मेरे ख्याल में 40 रुपये एक दिन के मिले 40 रुपये एक दिन दिहाड़ी मिलती है। तो कुल मिलाकर जो अनुभव कैसा रहा 10 दिन का अनुभव, आपने सारी चीज़ें बताई, आपने TV वाली भी बात बताई, आपने फ़ोन वाली भी बात बताई, एक और चीज़ पूछनी है। अच्छा ये एक और बात को है भाई उसमें जेल में ना कैंटीन भी हुआ है आदमी की कोई इच्छा भाई
जी कर जाओ उसका कि भाई मैंने यह चीज चाहिए, तो यह भी सुविधा सुनी है मैंने कि भाई कैंटीन हुआ है अब खरीद लाए कुछ चीज कुछ ना, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है, एक डायलॉग है बहुत फेमस है, नुनिका आगे जिसके गुट्ठे में दम हो वो जेल काट सके है। अच्छा। तो जिसके गुट्ठे में दम हो गुट्ठे तो पीछे लकड़ा है, मतलब काउंटर नंबर दिया जावे उसमें घर वाले रिचार्ज करा दो मैं पैसे आ जाए हैं, और वो गुट्ठा कैंटीन में लगा है। अच्छा। उसमें तो हम कोई भी चीज़ मतलब पैसे हमारे गुट्ठे तक कटे हैं, अगर हमारे पास पैसे है ना हमारे अकाउंट में तो हम कुछ भी चीज़ वहाँ खरीद कर जो भी कैंटीन में सेब संतरे केले मिठाई सब कुछ मिला पनीर वगैरह। अच्छा। हम कुछ भी ले कर खा सके हैं। अरे मजाक में मैंने कहूँ किसी का गुट्ठा ना हो, किसी का गुट्ठा कट रहा हो या किसी भी दुर्घटना में चला गया हो अंगूठा, फिर वो तो अंगली लग जाएगी गुट्ठे में दम है नहीं तो इसकी बात कर। हाँ वो तो बात है, चलो कोई नहीं, फिर वो अंगली तो फिंगरप्रिंट हो जाएगा। अच्छा। तो कुल मिला के जेल का अनुभव सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, और यदि किसी भी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि अगला नंबर 13 है जेल में जाना पड़ेगा अब तुझे, और जब तक उसको जेल के बारे में नहीं पता है ना तो हर कोई कांपता है, रूह कांप जाती है, और यदि किसी के घर वालों को यह पता लग जाए ना 13 बच्चा अब जेल में जाएगा तो उसके घर वाले भी कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते हैं। बिल्कुल, एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा जेल की। जेल में जब आदमी तो बाहर तनु सोचा ले मैं उसने मार दी नू कर दू यू क्राइम कर दू बहुत खून खोल रहा है, अरे ऐसे ऐसे गाने भी मार्केट मारे जिस तरह खून खोल रहा है, लेकिन जब बंदा जेल में जावे है ना तो चाहे कितना बड़ा बंदा हो वहाँ बैठ कर रोका हुआ है वो रो। अभी आपने सारी सुविधाएं तो गिनवा दी आपने जेल की, फिर सारी सुविधाएं हैं लेकिन एक जो मेन सुविधा वो नहीं है ना, मैंने क्या कहा था एक जेल के अंदर एक सीमित दायरा होगा हम उसके अंदर ही रह सके हैं, उस तो हम बाहर नहीं आ सकते चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो किसी भी, जब लग हमने कोर्ट परमिशन नहीं देगा जेल का प्रशासन परमिशन नहीं देगा बाहर आएंगे जब लग हमारी जमानत नहीं होगी हम बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ एक तारीख तारीख लगेगी कोर्ट में। अच्छा एक चीज़ और मुझे इसमें पूछनी है, आपने पुलिस जाति करती है अंदर या नहीं करती है? भाई हमने सुनी है वही पुलिस आड़े कुछ कोई कैदी रड़क जाए तो उसने पीट भी दे ना जायज भी पीट दे बिना बात भी पीट दे ना। देखो मनीष भाई जैसे बाहर का माहौल है ना वैसे ही अंदर का माहौल है, जब लग हम किसी ने तंग नहीं करते ना जायज किसी के साथ झगड़ा नहीं करता तो ये बढ़िया बात है, कोई भी आपा ने कुछ नहीं करता अगर हम शरीफ है, हम जेल के अंदर जाकर गुंडागर्दी करेंगे तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर उड़े पीटे जाओगे आपा भी। तोड़ फोड़ करना है क्यों डर, एक जेल है और ना कई बार एंटी पार्टी हो जाए ना। अच्छा। दोनों पार्टी आपस में झगड़ा हो जाए फिर दोनों पार्टियां ने अलग अलग रखा जाओ पीटे भी जाओ, अगर कोई गलत करे वो ही पीटे जाओ, शरीफ आदमी नू नहीं है भाई कोई शरीफ नहीं पीटे ऐसी कोई मैंने बात नहीं देखी। हाँ यू है शरीफ पे जो कर जो दाऊद किस्म के लोगों में है वो थोड़ा बहुत काम करवा लो उस पर दबाव बना। हाँ दबाव बना लो भाई अपने कपड़े धुआ ले हैं सब्जी बनवा ले हैं इस टाइप का काम करवा। अच्छा, खाना किस प्रकार का मिलता है? कति बेकार खाना सी क्लास खाना डी क्लास खाना मिला हुआ भाई? जैसा मन ने मिला मैं वो खाना बताऊंगा, जैसे एक बाल्टी नहीं हुआ बाल्टी में चार घी आगे कतले घेर दे और बाकी में पानी है पानी। अच्छा। यानी कि आलू की सब्जी होगी तो उसमें आलू नहीं टोया पावे, दाल की सब्जी होगी तो उसमें दाल नहीं टोई पावे, डुबकी मेरे मेरे टोनी पड़ेगी। यू खाना चुपड़ी हुई मिला या ना? सिंपल रोटी मिला, रोटी बढ़िया है। अच्छा। थोड़ा सब्जी में दिक्कत है भाई, देखो वो तो साफ सी बात है, अगर मारा तो उड़ा सरकार बढ़िया बढ़िया रोटी देवगी, चपड़ी हुई रोटी देवगी, बढ़िया सब्जी देवगी अच्छी तड़के की, तो बाहर ही से आदमी बतेरे तो जेल में जाना पसंद करेंगे भाई प्रोग्राम। सरकारी आदमी बनकर जावा है तो दूध भी मिला जेल में पीने खातर। हाँ पाइया दूध डाली का एक कैदी का आता है पीछे लग गए फ्री पीछे लग दे फ्री ऑफ कॉस्ट हो बिल्कुल, पाइया दूध घर भी नहीं मिलता कई ने तो जेल में वो चीज़ मिला है सरकार दे रही है। तो कुल मिला के फिर मैं वही बात कहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता लग जाए कि उसको बहुत जल्द जेल में जाना है तो उसका दिल एक बार घबरा जाएगा, और उसके परिवार वालों को पता लग जाए कि मेरा लड़का बहुत जल्द जेल में जाएगा या लड़की जेल में जाएगी तो परिवार वाले उसको घर से नहीं निकलने देंगे कि ना भाई बिल्कुल नहीं जाना हमने। एक बात और मैं भूल गया, देखो मैंने यह बात तो कई बार मैंने बोल दी भाई प्रत्येक आदमी ने जेल में जाना चाहिए, लेकिन जेल में इतना ही जाना चाहिए आप इतना ही कुछ क्राइम करो
या छोटा मोटा बिल्कुल एक आप वहाँ तक सीख सको, मतलब अनुभव के लिए जाओ। हाँ मतलब जाना ही पड़ जाता, जरूरी नहीं है जाना, बाहर भी सीख सकें वो चीज़। लेकिन मैं कहूँ मतलब वहाँ जाने के बाद ना आदमी ना कल बहुत ज़्यादा आ जाए, बहुत कुछ सीखने मिल जाए। इतना बड़ा क्राइम करके ना जाओ वहाँ जाकर, भाई आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। जो किसी ने मार दिया है, मर्डर कर दिया है, रेप कर दिया, इतना बड़ा क्राइम करके जावा तो लोग है ना उड़ा, वो जेल एक ऐसी चीज़ है वहाँ अपनी इच्छा तो आदमी मर भी नहीं सकता, उसका नाम जेल है। सुनने को तो मिला है कि जेल में सुसाइड कर लिया, जेल में मोबाइल सिम मिल गई, मोबाइल फोन मिल गया, ये चीज़ें तो खबरों में आवे हैं। लेकिन देखो कहना तो कह दे है, लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं होता आदमी वहाँ पर सुसाइड कर ले। वहाँ पर अगर मैं बाथरूम की कैमरे भी लगे हुए हैं, लैटरिंग बाथरूम की बात करूँ तो मैं इतनी लैटरिंग बाथरूम होती है वो इसलिए इतनी बनाई गई है सरकार द्वारा, भाई कोई इनके अंदर आत्महत्या ना कर ले। मैं जेल उसी का नाम है जिसमें हम अपनी इच्छा अनुसार मर भी नहीं सकते, तो जेल तो बड़ी चीज़ होगी नहीं दुनिया में कुछ। मतलब जेल अभी आप जैसे कह रहे थे कि भाई जेल में अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा, जो पुलिस वालों की मर्जी होगी, जो प्रशासन की मर्जी होगी, उन्हीं के हिसाब से काम होगा। हाँ उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के दायरे में रहेगा हमने, जो भी उनका सिस्टम होगा उन्हीं के हिसाब तो होगा। खाना पीना हर चीज़ का टाइमिंग है वहाँ पर, टाइम तो होगा, अगर टाइम निकल गया तो फिर खाना भी नहीं मिलता, नहाना भी नहीं मिलता। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, और फिर से क्योंकि मुझे तो जानना था जेल का अनुभव कैसा रहा, और फिर मैंने सोचा मैं तो जान लूँगा ऑफ कैमरा भी, लेकिन ना जो इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को, जिन परिवारों को ये डर लगा रहता है कहीं मेरा बच्चा जेल में ना चला जाए, किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी लड़की को, लड़के को ये डर लगा रहता है कि आखिरकार जेल में होता क्या है, वो चीज़ आप लोगों तक लाना मेरा काम था, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर भी आया हूँ। और अभी कई चीज़ें मुझे भी नई चीज़ पता लगी है कि जेल में सारी सुविधाएं होती हैं। एक बार तो ये सुनने को मिला था, ये भाई अंदर जाके देख के आया है, और उम्मीद पहली बात तो हम ये करेंगे कि कोई जेल में ना जाए, और जाए तो एक ये बोलते हैं कि भाई बड़े बड़े आदमी खुद जेल में गए हैं, कि किसी राजनेता को ले लो, पत्रकारों को ले लो। मनीष भाई मैंने बहुत बड़े बड़े जो उनका आग्रह जो बैर गुंडे हैं, बदमाशी करे हैं, मैंने वो भीतर जेल के भीतर नू मुँह डक डक कर रोंदे देखे हैं, जिनकी 20-20 साल की, 10-10 साल की सजा हो रही है, जिनकी सजा बुल रही है। हाँ सजा बुल रही है, वो आत्महत्या करण तक तरस हैं, अकाम आत्महत्या कर लें, लेकिन वो भी चीज़ नहीं कर पाते। जेल एक नू लगा ले बिल्कुल अलग ही दुनिया है, जेल खत्म हो जाए। सवाल है इसमें, हमारे समाज में सबसे बड़ा अपराध या तो रेप को माना जाता है या फिर मर्डर को माना जाता है, जो सबसे बड़े अपराधों में गिनती आती है। इसमें आप गए हो, कितने परसेंट लोग आपको ये दिखे कि भाई ये रेप में गया था, ये मर्डर में गया था? देखो अभी आपने एक थोड़ा हाई इसमें गलत कह दिया, भाई आप इस चीज़ में गए, मैं इस चीज़ में नहीं गया। मैं कह रहा हूँ आपको, आप जब गए हाँ। आपको कितने लोग, कितने परसेंट के लोग मिले कि कुछ लोग रेप में गए हैं, कुछ लोग मर्डर में गए हैं, उनमें कितने प्रतिशत कितने लोग मिले, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गए, मुझे क्या मतलब आपके इसमें गए हो गए, मुझे पता ही नहीं आपका। बिल्कुल बिल्कुल, देख मैं बता दूँ, तकरीबन ये दो बड़े अपराध है, और तकरीबन कैदी इसी में जाऊँ लगभग। सबसे ज़्यादा किस में गए? इवनू मैं गिनती तो नहीं कर पाता, लेकिन तो ला ला। हाँ हर रोज ये दो ही तरह के ज़्यादातर केस आम हैं। अच्छा, एक मर्डर वाले, एक रेप वाले, और ये छोटे मोटे केस वाले ब्याह में चोरी वाले, ठगी वाले, या मारपीट करके किसी की टांग बात तोड़ कर चले गए, या एक थोड़े है वहाँ डिफॉल्टर ब्याह, बैंक डिफॉल्टर, भाई लोन ले लिया और दिया नहीं है, और फिर उनका सजा सुजा बोली। लोन वाले नहीं मिले, लेकिन मैंने एक ही साथ में जो बिजली का बड़ा कर्मचारी था उसने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा था, 40 करोड़ का घोटाला कर रखा था। अच्छा। हाँ एक ताऊ हिस्सा मिला जिसका चेक बाउंस हो रहा था। अच्छा। हाँ तो कई इस टाइप के भी लोग मिले, सारे डाल के जेल के अंदर है ना, सारे डाल के आदमी हैं। अगर वहाँ पे कोई दो भी ने, एक कैदी रह जाना, दो नहीं तो तीन लगा लो, तीन भी ना मैं कैदी है ना आधा वकील बन जाए। अच्छा। उसने इतनी नॉलेज हो जाए कि उसके द्वारा सारे जितने भी कैदी है ना, कोई तो मार के जा रहा है उसकी धारा का बिरा लाग जाए, कोई टांग तोड़ के जा रहा है उसकी धारा, वो अपनी बतावा भाई मेरे यहाँ लग गई मेरे यहाँ। हाँ मतलब उड़ा है ना इस टाइप का माहौल हो जाए, सारे मतलब क्राइम वाले हो जाए। अच्छा। तो एक दिमाग भी पटन हो जाए, हर बैर जवाब है ना जेल तो आदमी तो सारे नुए लाग गए भी, सारे नुए हैं आदमी बहुत बच बच कर हुआ है। अच्छा। हाँ अच्छा, जैसे मेरा सवाल था कि भाई एक
मर्डर वाला और एक रेप वाला, इन दोनों में गिल्टी किसको महसूस होती है सबसे ज्यादा? रेप वाले को होती है, मर्डर वाले को होती है? देखो तो भाई मनीष भाई, बंदे बंदे आप किसी से बात हुई हो तो मैं तो वो चीज पूछ रहा हूँ। वो चीज है ना, बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड है। कई बंदे मर्डर करके भी नको, हमने तो कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बंदे रेप करके भी कहूँ, कई बंदे नू भी कहूँ भाई हमने नशे में कर दिया, माँ हमने जो कर चाह बनी थे लेकिन हमने नुए नहीं बेरा था, ओके रहा है। अच्छा। कुछ बंदे नशे में भी करते हैं लेकिन गलती जेल में जाने के बाद बड़े तो बड़े आदमी ने गलती फील हुआ है और उसने नू फीलिंग आवे हो रहा, कहा मैंने के क्राइम कर दिया, आज मैं के भुगतने लग गया। मतलब जेल में जाना उसकी असली सजा वही है? बिल्कुल बिल्कुल, जेल में जाना एक बहुत बड़ी सजा है। और मैं तो नुकूँ बार बार भाई, इतना बड़ा क्राइम ना करो। जेल था हमने एक साल तो ऊपर रखा है, छः महीना तो ऊपर रखा, अपना देख का काम करो। और बहुत दर्द होगा जेल में, एक आप सोच नहीं सकते। उसने जो बंदा जावे है ना उस चीज़ ने वो ही महसूस कर सका, बहर वाला बंदा महसूस नहीं कर सका। अच्छा, एक कोर्ट में जैसे आप बोल रहे थे तारीख लगती हैं, कोर्ट का अनुभव कैसा है कोर्ट के अंदर? क्योंकि कोर्ट में ना भाई या तो उसके परिवार वाले जा सकते हैं या जज होता है या दोनों पक्षों के वकील होते हैं, इससे ज़्यादा तो किसी को नहीं एंट्री मिलती वहाँ पे। क्या कुछ अनुभव रहता है कोर्ट? कोर्ट तो भाई अपने हिसाब से चल रहा है। कोर्ट में तो देखो अपराधी की भी सुनी जावे है, दोनों की सुनी जावे है, दोनों की सुनी जावे है। और जिसका भी फाइनल, जिसमें भी नू लागे भाई इसमें कसूर है, हाँ हाँ, जज कदे भी गलत फैसला कौन सुनाता? ना एक आधी बच्चों लोग कुछ होगी तो अलग बात, लेकिन जज कदे भी गलत फैसला कौन सुनाता? जब तो ये इतनी लंबी लंबी तारीख लाग गए हैं, एक केस में पाँच पाँच दस दस साल लग जाए, क्यों लाग गए हैं उसमें? नुए लाग गया भाई, जज किसी तक नू नहीं हो जाए भाई, किसी तक गलत सजा दी जावे। ठीक बात है, जज का पूरा फोकस यो हो भाई, किसी तक गलत सजा नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई दोषी बच जाओ लेकिन कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, उसने सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इतना टाइम लगा, जब तो तारीखा पर तारीख, तारीखा पर तारीख नुए लाग गए हैं। और पंचायत को नहीं कि दो ही मिनट में फैसला सुना दिया, ले भाई तू दोषी तू बेकसूर है। मतलब नहीं कहा जा सकता भाई, पंचायत का फैसला कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत हो सकता है लेकिन कोर्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता। हाँ, कोर्ट का नहीं होता, उसमें टाइम लगा, प्रूफ देखे जा, सबूत देखे जावे हैं, दोनों वकील आप अपने सबूत दिखावा, जब जाकर एक अंतिम निर्णय तैयार कराया जावे। हर बहुत कम ऐसे फैसले होंगे जिनमें भाई गलत सजा दी जावे लेकिन सही दी जाओ, जिससे भी दी जाओ। इसी बात मैंने कह दो, हवाई में बात नहीं होती, जो तथ्य है उन पर बात। बिल्कुल बिल्कुल, तथ्य पर बात हो, सबूत पर बात हो, है नू हवाई बात नहीं होती। तो कुल मिला के ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मकसद मेरा इतना ही था, आखिरकार जेल के अंदर होता क्या है? लास्ट सवाल, बिल्कुल ज़्यादा, वैसे ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू हो गया लेकिन ना मैंने उसमें लास्ट सवाल आपका ये लेना है। अभी करनाल से पत्रकार हैं आकर्षण उप्पल, वो जेल में गए हुए हैं, मामले तो उनके ऊपर पहले भी, देखो पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई गलती आदमी से हो जाती हैं और कैसे कैसे किसी ना किसी तरीके से मामले पहले भी दर्ज हो रखे हैं लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से अंदर हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब वो जेल से बाहर आके जिस तरीके से वो पहले वो पत्रकारिता करते थे, एक दबंग पत्रकारिता, लोगों के लिए लड़ लेते थे, वो क्या लगता है वो बाहर आने के बाद भी वो वही उनका काम करने का रूप? भाई जब अंदर जाने से पहले आपके परिवार के विचार क्या थे आपके काम को लेकर, जब अंदर से बाहर आए फिर आपके घर वालों के क्या विचार थे? क्योंकि ना लगभग हम एक ही समाज में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं और एक ही तरीके का हमारा रहना पीना खाना रहता है, विचार भी फिर हमारे एक जैसे से होते हैं। भाई हर परिवार, हर माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से परेशान ना हो और इसके परेशानी की वजह से परिवार परेशान ना हो। मनीष भाई देखो, मैं अपनी बात बता दूँ, एक तो होगा क्राइम, एक होगा गलती। गलती मेरे पर गलती हुई थी, क्राइम नहीं हुआ था। मैंने अपने आप पर यह भरोसा था भी मेरे पर गलती हो रही है, उस गलती की जो भी कोर्ट सजा देगा मैं भुगतने तैयार हूँ। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ जेल में जानते हैं, और दुगुना भटकाया है आपा ने, सोच रखी है एक दिन सब न मिलना है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपा कुछ बढ़ा करके जाओगे 100%। आपा पहले थोड़े कम थे इसमें, जब जेल में गया और बाहर आया दशक दिन में रहा, थोड़ा हनु भाई इस काम ने करूँ कि ना करूँ, छोड़ दू करूँ, घर वाले तो नाट गए थे, फिर कोई दिक्कत नहीं आपा करेंगे यार। अरे परमानेंट तो कोई को नहीं यार, और बड़े बड़े आपने देखे होंगे जी, नाम देख देख कर बड़े हुए भगत सिंह घर भर गए, वो जब जेल में फांसी ले सके देश खातर कुछ कर्ण खातर, तो अपना भी थोड़ा बहुत योगदान होना चाहिए। आपा भी कुछ हिस्सा करेंगे जिस तरह बढ़िया हुआ, बस नू नहीं आपा ना कोई क्राइम नहीं कराया। और वो आजकल तो भाई किसी होना ठाकर भीतर भी घेर दे,
चाहे जिसकी गलती हो और ना हो, मतलब राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा। हाँ 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 आप समझ गए। कई सारी बातें हैं जो कह दूंगा तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, तू भी आ जाएगा मैं भी आ जाऊंगा, तो क्या ना बड़ी बात है कि भाई अंत तो हर किसी का है, मेरा भी है और आपका भी है, और जो जो इस प्रकार की हरकत करेगा अंत तो उसका भी है। ये मनीष भाई, मैं एक जो पत्रकार है बिहार का, मनीष कश्यप, मेरा भी नाम मनीष है। हाँ आपका मनीष है। वो बंदा है ना जेल में, पता लग गया वो इतना टूट गया है, वो साउथ की तो जेल में गिर रखा, शायद तमिलनाडु की जेल में है वो, वहाँ का ना उसका खाना समझ में रहा, ना पीना समझ में रहा, ना भाषा समझ में रही। उस बंदे का इतना के बड़ा क्राइम था, उससे इतनी कठोर सजा दी गई है। अरिबाल तो आरोपी है, इबाल तो सिद्ध भी नहीं है, इतना बड़ा उसके ऊपर केस लगा दिया वो। तो आप सुरक्षा सेंध कि भाई हमारे देश को सुरक्षा की दृष्टि से उसकी तरफ से खतरा है, वो खतरनाक है हमारे देश के राष्ट्रीय। उसके घर वाले क्या सोचेंगे? उसके घर वाले सोचेंगे इसको घरा रखेंगे, इसने कड़ी न कड़ी दिहाड़ी मजदूरी भी भेजेंगे, कड़ी न कड़ी छोटी मोटी नौकरी भी भेजेंगे। एक बढ़िया इंसान ने जब गलत नाजायज फंसाया जाओ ना, तो उसका परिवार भी टूट जाए, वो खुद भी टूट जाए। वो एक दबंग पत्रकार था, लेकिन आज वो इतना टूट रहा है, जो कोई भी उस तमिल का आवे तो वो रोए रोए जावा है। एक चार कमरे में, एक चार दीवारी में रोक रखा है, अकेला अकेला, इतना खतरनाक हो गया वो। अब देख लो भाई साहब, आप देख लो, इतना बड़ा बंदा मार के चला जाओ, बंदा मर्डर करके चला जाओ, उसकी भी जमानत हो जाए कुछ टाइम पर। मैंने इसे बतेरे केस देखे जो छः छः महीना में बाहर आ जाए, तीन तीन महीना में बाहर आ जाए जमानत पर, लेकिन उस बंदे का इतना बड़ा केक क्राइम हो गया, वो लग भी बाहर नहीं आया, उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही उसने। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल लास्ट सवाल लूँगा, सोशल मीडिया से सरकार को खतरा हो रहा है क्या? सोशल मीडिया से खतरा हो जाए किसी भी सरकार को, ये कोई भाई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हो रही है, ना आम आदमी की बात हो रही है, कि सोशल मीडिया में एक क्रांति है। देखो सोशल मीडिया ना अपना खुद का सिस्टम हुआ है, और जो खुद का सिस्टम हुआ है वो किसी के इशारे पे काम नहीं करता, वो जो हकीकत हुआ है ना पब्लिक में वो चीज़ दिखावा है। और कुछ ऐसी मीडिया है जो घने कम है, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया इस टाइप की, वो वही चीज़ दिखावा है जो आका ऊपर वाला ने जो मंजूर हो वही चीज़ चले। हाँ वही चीज़ चलेगी। और जो ये सोशल मीडिया वाले, तो भाई ये तो वही दिखाओगे जो हकीकत में समस्या है, जो समस्या ये हो रही है हकीकत में, वो चीज़ दिखाए ना सरकार को, कीते ना कीते फिर चुप जाए हैं। सरकार को खतरा है कहीं ना कहीं, हाँ, आने वाले समय में बंद भी हो सकती है सोशल मीडिया लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया वाले इनका तो सब कुछ बंद कर देंगे इनका। देखो टिकटॉक बंद हो गया, इंस्टाग्राम हो सका बंद, लेकिन ये फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये बंद नहीं होंगे कदे भी। इन अपना आधा भारत चल रहा है आज के टाइम में, घर के लिए यूट्यूब चैनल है, मोदी का भी फेसबुक यूट्यूब है। हाँ बिल्कुल, काम कुकर चल लगा, फिर वो कुकर को होगा, जैसे नोटबंदी हुई थी रात ना 8 बजे आकर नोटबंदी कर गया था, फिर वो कड़क होगा। यू सोशल मीडिया ये यूट्यूब फेसबुक ये कदे बंद नहीं हो सकते। हाँ इनमें गाइडलाइन आ जाएंगी, नई नई गाइडलाइन आ जाएंगी, हो सके जो हमारे समय के साथ, हाँ जो गरीब आदमी है उनने बोलने की इजाज़त इन प्लेटफॉर्म पर ना हो, इसी गाइडलाइन आज के हैं। अच्छा हाँ भाई, हर किसी के पास ये फेसबुक ना चल रहा है, हर किसी के फ़ोन में ना चल रहा है, एक सरकारी आदमी के फ़ोन में चल लेंगी, इस प्रकार की भी गाइडलाइन आजकल, लेकिन ये बंद नहीं हो सकती कति भी। ठीक बात, हाँ तो इस बारे में फिर कभी आराम से बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के जेल के अनुभव के बारे में आप लोगों को बताना था, वो मैंने आपको बताया है और भाई ने पूरा सहयोग कराया है। वैसे 3-4 बेरी के अजीब हाँ करे नहीं नो को था, भाई तुम्हें पूछ लेना यार तो क्यों, मैं बोले भाई मना तो बेहार लग जाएगा, लेकिन जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे आने वाले समय में या अब, तो उन लोगों को कैसे पता लगेगा, उन लोगों के जो दिमाग में जो भ्रम फैला हुआ है, जो लोगों की बात सुनी सुनाई बातें हैं वो कैसे उनकी दूर होंगी। तो इस मकसद के साथ ये वीडियो बनाई है, और यदि किसी व्यक्ति को हमारी इस वीडियो से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना भी कर देंगे, क्योंकि ना फिर बाद में मुझे मज़ा नहीं आता कि बाद में फिर मैं लिखूं कि भाई किसी भाई मेरे पर कुछ गलती तो कुछ लिख गया हो, तो फिर मैं माफ़ी मांगता फिर। मैं भी लास्ट में यही बता दूँ भाई, मैंने जो कृषि में कहा भाई यार आदमी ने जेल में जाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो, तो मैं खुद के विचार हैं, खुद के विचार है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँ जेल तो भगवान दुश्मन ने भी ना दिखावा, एक जेल बहुत बुरी चीज़ है, मरण तक भी बुरी चीज़ जेल है बस। तो एक बार फिर मैं यही अपील करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
इसलिए ना करे कि ये वीडियो वायरल हो, इसलिए करे कि लोगों को जेल की सच्चाई का पता लगे। और मकसद मेरा इतना ही है, और मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ से।